YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। शिवपूजन मेहता सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल के जपला स्थित कर्पूरी मैदान में सामूहिक रूप से सर्वधर्म आदर्श विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां स्थानीय विधायक सह बसपा के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा शिवपूजन मेहता की उपस्थिति में एक से एक जोड़ियों का विवाह रीति रिवाज व परम्परा के अनुसार विश्व गायत्री परिवार के सानिध्य में सम्पन्न हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत कर समारोह में चार चांद लगाते हुए नव दंपतियों को सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। राज्यपाल का हुसैनाबाद की धरती पर पहुंचना लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने नव दंपतियों को भेंट स्वरूप उपहार भी दिया। विवाह समारोह DIG विपुल शुक्ल, पलामू उपायुक्त अमित कुमार, SP इंद्रित महता की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न हुआ। वहीं समारोह को लेकर विवाह स्थल पर जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे नियंत्रित करने में सुरक्षा बलों की पसीने छूट गए। इससे पहले महामहिम राज्यपाल के पहुंचने पर ट्रस्ट की ओर से उन्हें ताज पहनाकर बड़ी गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं विधायक श्री मेहता ने उन्हें एक पुस्तक भेंट की। वहीं अपने संबोधन में महामहिम ने कहा कि राजभवन हर अबला के लिए खुला है, वे गरीबों की गवर्नर है और समस्याग्रस्त कोई भी गरीब व्यक्ति राजभवन पहुंचने से न हिचके। जबकि ट्रस्ट के प्रयासों की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि विवाह एक पवित्र बंधन है जो विश्वास रूपी नाजुक डोर के सहारे जुड़ा होता है। कहा कि समाज में व्याप्त बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होना बेहद जरूरी है। वही बंद पड़े जपला सीमेंट फैक्ट्री को पुनः चालू कराने की दिशा में प्रयास करने का भी उन्होंने हुसैनाबाद वासियों को भरोसा दिया। कहा कि सरकारी नियमानुसार नव वधू के बैंक खाते में अब 30,000 रुपए सीधे पहुंचेंगे। वहीं विधायक श्री मेहता ने कहा कि ट्रस्ट ने गरीब कन्याओं के विवाह का बीड़ा उठाया है और यह सामाजिक कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा। जयप्ला फैक्ट्री खुलने के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह बंद फैक्ट्री अवश्य खुलेगा और इसके लिए महीनों आमरण अनशन पर बैठना पड़े तो भी वे नहीं हिचकेंगे। समारोह के बीच से एक दिलचस्प बात यह भी निकलकर सामने आई कि विवाह समारोह में भाग लेने पहुंचे करीब आधे दर्जन जोड़े फर्जी भी पाए गए, जिन्हें विवाह के लिए अयोग्य ठहराया गया। जबकि समारोह में मशहूर लोक गायक प्रमोद प्रेमी यादव ने लोगों को अपनी गायकी शैली से खूब जुमाया और आनंद विभोर कर दिया। पलामू पुलिस की ओर से गवर्नर को सम्मान स्वरूप गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया, जहां महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आकर्षक परेड की सलामी ली। मैं तो हर जगह जाती हूँ, कहीं पे भी कहीं पर भी मुझे बुलाने से मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे राजभवन से जाकर भी मुझे बोल सकते हैं। राजभवन आप लोगों के लिए है, मैं तो आप लोगों के सेवा के लिए मुझे लाया गया है। मैं केवल कॉर्पोरेट घराने के लिए नहीं हूँ, ये मैं गरीब की गवर्नर हूँ। मैं खूब जानती हूँ गरीबी कैसा है। ऐसे परिवार से मैं आई हूँ, मैं कभी गवर्नर बनने के लिए मैं कभी अप्लाई नहीं किया था। खुद प्रधानमंत्री ने, खुद राष्ट्रपति ने मुझे बुलाए हैं। मैं घर में बैठी थी और मुझे राष्ट्रपति बनाया गया है आपके सहयोग के लिए, आपके सेवा के लिए। कहीं भी मुझे बुलाया जाए ऐसे नेक काम के लिए मैं जरूर आपके पास हाजिर होंगी। और आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको मनोबल बढ़ाने के लिए, आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं जरूर गवर्नमेंट से बातें करूंगी और प्रॉब्लम को सेल्फ सॉल्व करने के लिए मैं प्रयास करूंगी। आज मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जपला सीमेंट फैक्ट्री को खुल जाने से 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगी और यहाँ के 20,000 युवा जो भटके हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार का अवसर प्रदान होगा। और मैंने महामहिम से आग्रह किया है, उनके संज्ञान में दिया है, उन्होंने भी संज्ञान में लेते हुए आश्वासन दिया कि मैं सरकार से वार्ता करूंगी। और मैं कहता हूँ कि अगर फैक्ट्री नहीं खुलेगा तो मैं पूरे महीनों महीनों तक के लिए आमरण अनशन करूंगा। जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण है तब तक मैं जपला सीमेंट फैक्ट्री के लिए लड़ूंगा। धन्यवाद।